सकते हैं ना। तो गुरु जी ज्ञान जल छिड़क रहे हैं। बैठो, क्लास बाद में कर लेना, ये अपना क्लास बाद में करना। सुनने दो। हाँ बैठो 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 बैठो, बोल नहीं पाएंगे फिर। अरे ये मुलेरा मुंह में डाल दो तो बोल नहीं पाएंगे। बैठो बैठो बैठो, आप ले लो ना। हाँ लेंगे लेंगे, मम्मा के लिए। हाँ हाँ मम्मा के लिए भी रखेंगे। बैठो बैठो, तो बैठो बैठो बैठो। क्या हो गया? क्या पूछा? ज्ञान बीज है, प्रवृत्ति माता बीज और कैसे सीखिए, प्रवृत्ति माता बीज किसे कहेंगे? ज्ञान प्रवृत्ति माता बीज कैसे कहेंगे? कौन से व्यक्ति आदमी पड़ती है? आखिरी आत्माएं हैं उनका डिजर्वन लिया की आदि नहीं होता है ना। तो बीज जो है सीख हुआ प्रवृत्ति माता और प्रवृत्ति माता ज्ञान और भक्ति। और पीछे है बैराग। भक्ति के फाउंडेशन के बगैर ज्ञान का बीज नहीं पड़ सकता। 63 जन्म की भक्ति का फाउंडेशन पड़ता है। फिर ज्ञान का बीज डाला जाता है। तो फाउंडेशन हो गया आधार। और ज्ञान हो गया बीज। अगर आधार में बीज ही नहीं है अथवा खंडित बीज है तो फलीभूत नहीं होगा। ज्ञान के स्थान पर अज्ञान का काम करेगा। जैसे ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए साक्षात्कार ज्ञान की चीज है या भक्ति की चीज है? भक्ति की चीज है। वो भक्ति की बातों का प्रचार प्रसार
इतना होता है कि आखिर इन भगवान को भी इस सच्ची पर आना पड़ता है। भक्ति विचारी भी होती है और भक्ति अभिविचारी भी होती है। भगवान किसको प्रेफर करेगा, प्रेफरेंस देगा? अभिविचारी भक्ति को प्रेफरेंस देता है। जैसे द्वापर के आदि में कोई नहीं तो अभिविचारी भक्ति की शुरुआत की होगी, किसने की? कहेंगे राजा विक्रमादित्य ने, शिवलिंग की उपासना की। लेकिन द्वापर में राजा में विकारी बुद्धि होते हैं या निर्विकारी बुद्धि होते हैं? तो विकारी बुद्धियों को अभिविचारी बुद्धि की सलाह देने वाला कोई और होगा या द्वापर युगी द्वैतवादी बुद्धि वाले राजाएं खुद होंगे? कोई और होता है जो परंपरा सतयुग त्रेता से चली आती है। सतयुग त्रेता में बाप और गुरु अलग अलग नहीं होता, मंत्री अलग नहीं होते हैं मंत्रणा देने वाले। बाप ही गुरु, बाप ही मंत्री, वो परंपरा द्वापर के आदि तक चलती है। जो विक्रमादित्य का बाप है वही गुरु का काम करता है। ये अरस परत है, सतयुग के आदि में जो बाप है वो त्रेता में आदि में बच्चा बन जाता है। जो त्रेता के आदि में बच्चा है वो द्वापर के आदि में फिर बाप बन जाता है। ये बाप दादा है, साथ ही है, एक हीरोइन है एक हीरो है। अभी अभी बताया ऊंचा पार्ट बजाने वाला कौन है? बाप हीरो, और उसके मुकाबले नीचा पार्ट बजाने वाला हीरोइन है। जहां मेला लगता है ढेर का ढेर मेला इकट्ठा हो जाता है भक्ति मार्ग में। जहां मेला इकट्ठा होता है वहां राक्षसी वृत्तियां जन्म लेती हैं। इसलिए बोला देवी के पुजारी है रावण संप्रदाय, वहां भक्ति का बोलबाला होता है। भक्ति बुद्धि को सालिम बनाती है या पत्थर बनाती है? भक्ति में बुद्धि पत्थर आ जाती है, अंधश्रद्धा अंधविश्वास बढ़ता रहता है, और ज्ञान में
अंधश्रद्धा अंधविश्वास को उखाड़ के फेंक दिया जाता है। ये अंतर है। ज्ञान बीज है, बीज बाप को कहा जाता है, लेकिन बोया कहाँ जाता है? धरणी में बोया जाता है। धरणी को बाप नहीं कहेंगे, धरणी धारणा शक्ति वाली है। क्या? धारणा की शक्ति दादा लेकर आज ब्रह्मा में ज्यादा थी या बाप सुप्रीम सोल जिसमें प्रवेश करता है उसमें जाती होती है? तो भल धारणा शक्ति ज्यादा है, परंतु बौद्धिक शक्ति क्षिप्र गति वाली नहीं है। वो साकार उपासी हैं जो धारणा शक्ति वाले होते हैं। साकार उपासी चरित्रवान होते हैं, निराकार उपासी क्षिप्र गति वाले होते हैं। ये ज्ञान को बीज कहा जाता है। 2,563 जन्म भक्ति की जाती है। क्षिप्र गति से आगे बढ़ते हैं या धीमी गति से चलते हैं? चाल धीमी हो जाती है और ज्ञान एक जन्म में ही बेड़ा पार कर देता है। तो ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। ज्ञान से मनुष्य देवता बनता है और भक्ति से देवताएं भी क्या बन जाते हैं? मनुष्य से भी नीचे गिर करके राक्षस बन जाते हैं। और ये कौन आ गया, कहाँ से आ गया? जो जहाँ लिखा होगा वही पूछना शुरू कर दोगे? उससे पूछो इसका आगा पीछा बताओ। कोई पूछे इसका भूचंद क्या होता है, तो किसी ने पूछा इसका भूचंद क्या होता है, तो पूछना बताना शुरू कर देंगे? मुरली बोला है कि मेरी आत्मा का एक नाम शिव, जो तो पता था नहीं, लेकिन अर्थ में 12 ज्योतिर्लिंग मठ मठ है। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग मठ है, इसके अलग अलग नाम है, क्या वो शिव के नाम नहीं है? का असली नाम क्या है और बाकी सब असली है कि नकली है? हाँ, बाकी जैसे जैसे व्यक्तित्व में प्रवेश करके पार्ट बजाया है मुकर्रर रक्तधारी आत्मा ने, वैसा वैसा नाम रख दिया है। मैं एक ही मुकर्रर रख में आता हूँ या अनेक में आता हूँ? एक में आता हूँ। तो मेरा एक ही नाम है, क्या? शिव।
उस एक मुकर्रर रथ के द्वारा ही सारी शक्ति का पार्ट कैसा बन जाता है? शिव 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 शिव, क्या कल्याणकारी हो जाता है। एक के अलावा जितने भी नाम हैं वो अनेक प्रकार के काम, अनेक प्रकार के पार्टधारियों के नाम हैं। शिव अगर 12 हो जाएंगे तो 12 से 120 नहीं हो सकते, 120 से बढ़ के 12 तो नहीं हो सकते, 12,000 नहीं हो सकते, 12 लाख, 12 करोड़, 12 अरब नहीं हो सकते, फिर तो सर्वव्यापी हो जाएगा। इसलिए मेरा असली नाम एक ही है, वो शिव है, जो निराकारी स्टेज में स्थिर हो जाता है। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी साबित होता है सारे संसार के बीच में। एक ही पार्टधारी है जो सदाकाल के लिए संगम युग में कल्याणकारी ही है। नाम मात्र भी अकल्याणकारी नहीं है, जिसके लिए सिख लोग कहते हैं जो बोले सो निहाल। सप्त श्री अकाल, असत का नाम निशान नहीं, कालों का काल है, उस सत्य को काल नहीं खा सकता। कल्याण ही कल्याण है, उसके बोल में भी कल्याण, उसके द्वारा की हुई कर्मेंद्रियों के द्वारा किए हुए कर्म में भी कल्याण, वाचा में भी कल्याण, कर्म में भी कल्याण, संकल्प मात्र में भी कल्याण ही भरा हुआ है, हर वाइब्रेशन में कल्याण भरा हुआ है। इसलिए उसका एक ही नाम है, क्या? शिव। वो शिव जब तक उस मुकर्रर रथ में है तब तक शिव ही नाम है, अकल्याणकारी नहीं हो सकता। किसी को देखने में आए थोड़े समय के लिए, वो भी रिजल्ट में अंत में समझ जाएगा कि हमारी समझ में फेर था, माया ने हमारी बुद्धि को घुमा दिया था, इसलिए हम अकल्याणकारी समझने लग पड़े थे, हम दूर हो गए। वास्तव में वो तो सदा ही कल्याणकारी है, क्योंकि जिस मुकर्रर में प्रवेश करता है उसको आप समान बना के जाता है। शंकर का नाम शिव के साथ सदा के लिए जोड़ दिया जाता है। सिखों में अच्छी महिमा है, ऐसी भी सत्य और होती भी सत्य, और पहले भी पास में सत्य ही था, अर्थात जब शक्ति का आदि था तो भी विष्णु रूप था। विषधिकार का नाम निशान नहीं, नाम ही है विष्णु,
मध्य में भी उसका पार्ट प्रवृत्ति मार्ग का है। निवृत्ति मार्ग के गुरुओं से जैसे उसकी दुश्मनी है, इसलिए बोला रावण कौन गुरु लो। कहेंगे ये गुरु लोग। तो आज में भी सत्य, मध्य में भी सत्य, और जब कलयुग का अंत होता है, संगम युग शुरू होने वाला होता है 2036 से पहले, उस समय भी वो विष्णु रूप होता है। जो आदि में विष्णु, आदि तो अंत में भी विष्णु। आदि मध्य कब आएगा चेतन में? संगम युग में 36 को कहेंगे आदि, और द्वापर का अंत जब हो, द्वापर की आदि शूटिंग की जब शुरुआत हो, तो कहेंगे मत। अच्छा, जब तीसरी मूर्ति की प्रत्यक्षता होनी शुरू हो, तो कहेंगे। हाँ बाबा, 12 निकली हो गए तो फिर असली कौन? 12 में जो अव्वल है, उस अव्वल में ही वो आता है अल्लाह बंदीन। बाकी जो 11 हैं वो रुद्रगण हैं, रुद्र का अवतार है, रुद्र उनमें प्रवेश करता है। शिव को रुद्र नहीं कहेंगे, शिव जिसमें प्रवेश करता है तब रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। वेदांत जी ने कहा था कि कल हम तुम्हारे घर आएंगे, कल हम तुम्हारे घर आएंगे, तो हमारा घर वो वेदांत का कौन सा घर है, और कब वो वेदांत जी हमारे घर में आएगी? ये स्टेडियम में राजधानी माता, मानेसर वाली राजधानी माता से बोला था, तो वो कब दिन आएगा? किस दिन वो हमारी छोटी मम्मा आएगी और हमारा बस संसार के अंदर प्रत्यक्ष हो? आप आत्मा है या शरीर है? खड़े हो जा। आप आत्मा है या शरीर? विनाशी कौन सा है इसमें? तो वो आप नहीं है, आप क्या है जो सदा है? आत्मा। तो आत्मा का घर यहाँ कहाँ है और वहाँ कहाँ है? हाँ, आत्मा का घर ये नहीं है, ये तो विनाशी बता दिया। आत्मा का शरीर तो परमधाम, शरीर कहाँ से परमधाम होता है? ये कौन सा भूत बोल रहा है? है? भूत नहीं है बाबा, भूत नहीं है। तुम कह रहे आत्मा का शरीर परमधाम? आत्मा का शरीर ये है, ये शरीर तो बदलते रहते हैं, आज ये है, कल वो था, फिर कल और होगा, ये तो बदलने वाली चीज हो गई, विनाशी चीज हो गई। लेकिन आत्मा का जो घर है वो कहाँ है? फिर वही बुद्धि में आता है, तो समझ लो ये भूत प्रवेश करता है। ये कोई देह अभिमानी सांडा है जो तुम्हारी बुद्धि को भ्रमित कर देता है। बैठ जाओ। ये शंकर के गले में सांप क्यों दिखाई देता है? वो तुमको बहुत दिन के बाद ये बात पूछी है। बैठो।
कहते हैं गले पड़ गया या गले पड़ गई, तो अभी बताया आज की मुरली में आबू, सारी बदबू सारा भित जहां आके इकट्ठा हो जाए वो चैतन्य में कौन? शंकर। और शंकर है तो जितने भी विषैले विषधर है वो कहाँ के इकट्ठे होते हैं? शंकर के पास। इसलिए उनकी कमर में सांप, उनकी बगलों में सांप, उनके गले में सांप, उनके सर के ऊपर भी सांप ही सांप मंडराते रहते हैं। वो सांप नहीं जो जानवर सांप है, ह्यूमन सर्प, वो उनसे घबराता नहीं है क्या? उनके बीच में रह करके काम करता है या जंगल में जाकर के अकेले में रहता है छुप के? बीच में रह करके। बड़े से बड़े सर्प और बड़े से बड़ी सर्पणियां उसको छोड़ते नहीं है, फिर भी वो निर्विष रहता है। विषय विकारों का उसके ऊपर असर नहीं होता अथवा उन विषधरों से प्रभावित होकर उनकी प्रजा कभी नहीं बनता। और वैसे तो सब आत्माओं का जो पाठ है वो बाबा प्रत्यक्ष करते हैं, जो आत्माओं का पाठ प्रत्यक्ष करते हैं बाबा प्रत्यक्ष करते हैं पाठ आज के देर का जो है बाबा प्रत्यक्ष करते हैं। बाबा ने तो मना किया है अव्यक्तवाणी में कि बाप दादा कोई का पाठ बोर्ड पर लिखकर नहीं बतावेंगे, कागज पर लिखकर नहीं बतावेंगे। हाँ, देव आत्माओं को इशारा दिया जाता है, जो इशारा होते हैं वो लौकिक जन्म के स्थान के आधार पर ही इशारा होता है। जैसे बाप की पाठ की प्रत्यक्षता जैसे बताया गया ना कि जो मल का पाठ की तरफ इशारा दिया, फिर बड़ी मम्मा की पाठ की तरफ दिल्ली की तरफ इशारा दिया गया, फिर काशी नगरी को उनकी लौकिक जन्म स्थान के ऊपर इशारा दे दिया। बाकी जो आत्मा बचे हैं उनको भी क्या लौकिक जहाँ जन्म हो उस तरह दिखाया हो सकता है? कोई जरूरी नहीं। नाम बंसीधर है, ज्ञान की एक बूंद नहीं, दुनिया की बातें करते रहते। नाम गंगाधर, ज्ञान की गंगा तो बहती नहीं, अज्ञान की अज्ञान की ही बातें करते रहते। आज कलयुगी दुनिया में ज्यादातर जो नाम होते हैं वो काम के आधार पर होते हैं या ऐसे ही डाल देते हैं, ऐसे ही डाल देते, कोई जरूरी नहीं। हाँ बाबा, कोई खास खास हो सकते हैं, जैसे त्रिमूर्ति है, जैसे विष्णु की भुजाएं हैं, जैसे ब्रह्मा के मुख हैं, तो आखिरी जन्म में भी कौन से वर्ण में होते हैं? है? ब्राह्मण वर्ण में होते हैं, तो वो तो मुख्य आत्मा है ना, जो मुख्य पाठधारी होते हैं वो बदलू भाव होते हैं
या स्थाई पार्ट बजाने वाले होते हैं। उनका स्वभाव संस्कार स्थाई रहता है। बोले जिसका प्याला तो पिया संसार के कल्याण के लिए बुराई भी सुन लेनी चाहिए। अच्छा काम कोई करता है तो 20 बातें पैदा करने वाले तैयार हो जाते हैं। फिल्मी गीत भी बनाए दिए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कलयुग की दुनिया के लोग हैं ना, तो वो तो कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे। उनके कहने के आधार पर जो विश्व कल्याण का कार्य करने वाला है उसे रुक जाना चाहिए क्या? नहीं, लोग कहते हैं विकारी है, विकारी है, विकारी है, विचार बढ़ाने वाला है, ऐसा है, वैसा है, कैसा है। तो लोगों के कहने मात्र से भगवान अपना कार्य करना बंद कर देगा? पतितों को पावन बनाने का कार्य छोड़ देगा? संसार की ग्लानि का उसके ऊपर असर हो जाएगा क्या? नहीं। संसार की ग्लानि का असर क्षुद्रात्माओं के ऊपर होता है। जो क्षुद्रात्माएं कोई काम शुरू करती हैं और ग्लानि जब होती है तो छोड़ के भाग जाती है। जो शेष आत्माएं होती हैं वो या तो कार्य शुरू नहीं करेंगी, और कार्य करेंगी तो उसको अंत तक सफलता के शिखर पर पहुंचाएंगी। उनका नारा होता है कार्यम वा साधयामि देहम वा पातयामि। शरीर भर छूट जाए लेकिन काम पूरा करके जाएंगे। ब्रह्मा को शेष आत्मा कहेंगे, नीच आत्मा कहेंगे। शेष आत्मा शरीर छूट गया फिर भी कार्य कर रहे हैं या लक्ष्य को छोड़ दिया, कार्य कर रहे हैं। और जो बाप से संबंध है दुनिया वालों से कोई संबंध? ब्रह्मा बाप से नहीं। हाँ हाँ, ब्रह्मा भी दुनिया का हो गया ना। दुनिया से हमारा कोई संबंध नहीं, शिव बाप से संबंध है। अब संबंध समान बंधन में होता है या असमान में होता है? एक सांप है, सांप जैसा लंबा है, और एक हाथी है, दोनों की शादी करेंगे, पति पत्नी का संबंध जोड़ेंगे? एक चीटी मिसल है, एक हाथी मिसल है, संबंध जुटेगा? एक सड़क का भिखारी है, हर एक राजा का बच्चा है, राजकुमार है, महाराजा का बच्चा है, शादी पनपेगी?
तो संबंध समान वालों में होता है। जो कहते हैं वो अर्थ ही नहीं समझते कि संबंध किसका किसके साथ जोड़ा जाता है। साकार है तो साकार का संबंध भी किसके साथ जोड़ा जाएगा? साकार के साथ जुड़ेगा। संबंध सुख के लिए होता है या दुख के लिए होता है? सुख के लिए होता है। एक बिल्कुल पतला पतला टीवी का मरीज और एक हृष्ट पृष्ट लंबा चौड़ा पठान जैसा व्यक्तित्व, दोनों की शादी करेंगे तो दुख होगा या सुख होगा? दोनों को दुखी हो जाएंगे। साकार का संबंध साकार के साथ जुड़ता है, अगर नहीं जुड़ता है तो निराकार को साकार में आने की क्या दरकार? दरकार है? बिल्कुल दरकार नहीं। या तो हम निराकार बने तब हम उसके धाम के वासी बने, नहीं तो जब तक हम निराकारी स्टेज वाले नहीं बने हैं तब तक उसे साकार बनना पड़े, तब हमारा उसके साथ हर प्रकार का संबंध जुटेगा। वो कहता भी है मेरे से सब प्रकार के संबंधों की रचना लो, अगर कोई भी संबंध की रचना में कमी रह जाएगी तो जन्म जन्मांतर के लिए उस रचना के लिए तड़पते रहेंगे। तो साकार में आकर के संबंध जोड़ता है या बिंदी बनकर के संबंध जोड़ता है? साकार में आता है संबंध जुटने से संग का रंग लगता है। जो पावरफुल होता है वो अपने संग का रंग लगाता है। भगवान सर्वशक्तिवान है, संबंध जुटता है तो अपने संग का रंग लगाता है, आप समान बनाता है। वो आया ही है आप समान बनाने के लिए, साकारी बनाने के लिए नहीं आया है। लेकिन साकारी बन करके आता है ताकि आप समान बना सके। आज बाबा हमारे जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर आज रेवरी गार्डन सेंटर से दादी जी किसी को झंडा लगाने के लिए भेज रहे हैं। झंडा लगाने के लिए हमारे निवास स्थान पर जहाँ हम रहते हैं वहाँ झंडा लगाने के लिए रेवरी गार्डन सेंटर से, जहाँ हम एक साल पहले क्लास करते थे, तो हम अभी एक साल के हैं बाबा आपसे, तो झंडा लगाने के लिए दादी की ही वो है कि नहीं हम झंडा लगाने के लिए आपके पास भेजेंगे। दादी जी की तबीयत थोड़ी खराब रहती है, बहुत उम्र हो गई उनकी, लेकिन उनकी अंदर से तो आशीष हमारे परिवार के लिए है पूरी पूरी है। उनकी जो आशीष है हमारे परिवार के प्रति पूरी पूरी शुभ भावना है, क्योंकि हम जब बेसिक से इधर आए तो वहाँ बहुत हमारे बारे में परिवार के बारे में इधर उधर की बातें पूरे स्टूडेंट्स में भाइयों में हो गई और फिर लोग हमको धीरे धीरे बाइकआउट करने लगे। तो आज झंडा है और हमने तो इच्छा जाहिर नहीं की क्योंकि शिवरात्रि तो निकल गई, बाकी वो आज बहने घर पर आएंगी, दादी किसको भेजे दादी खुद आए ये मेरे को मालूम नहीं, तो बाबा इससे हम क्या करें, इससे मेरा मैं क्या करूँ, मैं कुछ आपसे पूछना चाहता हूँ क्या? तो झंडा लगाने आ रही है बहने, हाँ। तो उनके लिए फिर क्या करूँ? उनके लिए क्या, उनको समझाओ लोगों को ये जो झंडा तुम लेके आए हो जिसमें 32 किरणें लगी हुई है, 32 गुण लिखे हुए हैं, ये गुण अवगुण साकार के होते हैं या बिंदी के होते हैं? जी
पूछो पूछेंगे ना पूरी हमने उस समय हमने प्लानिंग कर ली। पहले हमें समझाओ फिर झंडा लगाओ। और बाबा ये यहाँ से हम ये हमको यहाँ से पर्चा मिला था ये फिर आप अपनी पर्सनल बातें बाद में करना। बाबा जब कंपला गए थे तो उधर जो है ना हमें रेस्टोरेंट में आ रहे थे खेतों से तो रेस्टोरेंट में तो दूरी मिली थी तो हमने मैंने उठाना चाह लेकिन भाई ने रोक लिया। तो फिर जो है ना भाई ने डंडे से फेंक दिया क्या उसका क्यों फेंक दी होगी तो उसका डर भी नहीं उतना होगा तो उसको दुमो ही है ना तो दुमो ही को डंडे से थोड़ा ही फेंकना चाहिए। अगर एक मुंह वाला सांप होता तो डंडे से फेंकते। मैंने तो फेंकने की कोशिश करी लेकिन भाई ने रोक दिया। तो भाई ने बताया कि तुम अपने हाथ से उसको टच न करो क्या भाई जब जो है उसको फेंक रहे थे क्या उसमें जहर तो होता ही नहीं है तो उसको फेंकने की माला है तो उसको हाँ जी रामायण में दिख रहा है कि जैसे राम जब सीता को अंदर बुला के लिया था है उसके बाद धोबी की धोबन जब बाहर आती है धोबी कहता है कि वो राम था कि सीता को राम ने चुरा के लाने के बाद अपने पास रख लिया मैं तुझे अपने पास नहीं रखूंगा उसके बाद से वो सुन के राम ने सीता को छोड़ दिया जब सीता वनवास तो इसका भी इसमें क्या है बाबा वो राम फेल होने वाला था या पास होने वाला था वो भक्ति मार्ग में जिस राम को दिखाया है वो राम फेलियर था या पास वाला था है? क्या था अधूरा था या संपूर्ण था अधूरा था या संपूर्ण बन जाएगा तो कोई को भी नजदीक रख लेगा कि दूर भगाएगा है इसलिए कहते हैं एक निराकार राम और एक साकार राम तो साकार राम कभी निराकार बन सकता है कि नहीं बन सकता है, है? बन सकता है जब साकार राम निराकार बन जाएगा तो फिर किसी को दूर दूर नहीं करेगा। बाप समान बच्चे प्राप्त करने के अधिकारी बनने हैं तो किसी हर्ष में बना है उसमें सच्चाई का कोई स्थान नहीं रहा सच्चाई का आप पढ़ के मत सुनाओ आप अपनी बात पूछो सच्चाई को मिटा देगी आप पढ़ो मत आपको क्या पूछना है तो धड़ाधड़ पूछो। हाँ यहाँ पे बुलाए थे द्वापर में सच्चाई की कोई नाम निशान नहीं होती ना द्वापर में सच्चाई का नाम निशान नहीं होता ऐसी बात तो नहीं हर युग में युग भी सतो प्रधान सतो सामान्य रजो और तमो होता है कि नहीं होता है तो द्वापर के आज में शास्त्रों में सच्चाई थी ऐसे नहीं कि सच्चाई का नाम निशान नहीं था। जब द्वापर सतो प्रधान स्टेज में था तो शास्त्रों में भी सच्चाई थी। हाँ और ओमंडली गई की गई की जो शूटिंग आदि में हुआ था तो वो यार एडवर्टाइजमेंट हो गई क्या जो सच्चाई है
सत्ययुग है वो स्थापन होगा या नहीं होगा? होगा। लेकिन सत्ययुग स्थापन होने में मुट्ठी भर आत्माएं सत्य को पहचानेंगी, सत्य को पहचान करके सतयुग की स्थापना में सहयोगी बनेंगी या ढेर के ढेर सहयोगी बनेंगे? हैं? मुट्ठी भर सहयोगी बनेंगी और बाकी सब अपोजिशन करेंगे या सपोर्ट करेंगे? तो बस यही ओम मंडली गई कि गई, यही होगा। जिनको सतयुग दिखाई नहीं पड़ेगा, जिसको सच्चा संगठन सच्चाई दिखाई नहीं पड़ेगी, उनके लिए गई कि गई। जैसे बोला, सत्य की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो जो समझते हैं कि डूब गई, खलास हो गई, धर्म से नीचे उतर गई, अधर्मी बन गई, ऐसी हो गई वैसी हो गई, उनकी नजर में फेल है या पास है? जैसा चश्मा होता है वैसा ही नजर आता है। ये पढ़ाई बहुत ऊंची है, इस ऊंची पढ़ाई में अव्वल नंबर में पास विद आनर होने वाले कितने निकलेंगे? तो जो 8 निकलेंगे उनके द्वारा सत्यखंड की स्थापना होगी, या जो थोड़ी थोड़ी सजा खा जाएगा 9वां नंबर वो भी उसमें ऐड होगा? है? नहीं होगा। वो अगर उसमें ऐड हो जाएगा वो सारे सत्यखंड को क्या बना देगा? झूठा बना देगा। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, इसलिए वो एक भी नहीं रहना चाहिए, पूरी सफाई होनी चाहिए। मनमना भव का मतलब क्या है? एक संकल्प भी बाप के संकल्प के बरखिलाफ आया, मना सत्यखंड से नीचे गिर गया। सत्यखंड की स्टेज में नहीं पहुंच सकेगा। झूठखंड का वासी हो गया। इनका माने जो सूर्यवंशी है वो सूर्य को याद नहीं करेंगे। जब उनकी बुद्धि में ज्ञान है कि ये सूर्य है और बाकी तो सब ये चिम चिम करने वाले सितारे हैं, हम सूर्य का संग करें या इन सितारों का संग करें? बुद्धि में ज्ञान है या नहीं है? अरे जब संग ही नहीं करेगा, धंधा ही अपना बदल देगा। दुनिया के सब धंधों में है नुकसान सिवाय ईश्वरी धंधे के। तो ईश्वर का धंधा अपना लिया, ईश्वर की दुकान में बैठ गया, ईश्वर के कार्य में सारी बुद्धि सारी इंद्रियां सारा तन की ताकत सारी धन की ताकत लगा दी, तो दूसरों का संग क्यों लगेगा? हाँ?
बहुत जबरदस्त देखा है, आत्मा धन्य ही होती है और सारे घर को कवर करके थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। अपने में दिलन रूप आत्मा पूरे घर की कवर करती है तो थोड़ा बहुत अपने ऊपर आता ही है। सोचते तो बहुत है बाबा के घर में रहे हैं लेकिन आपका तो थोड़ा बहुत आ ही जाता है। पहले घर का सुधार कि पर का सुधार है, कहीं सोच में गड़बड़ी है, ज्ञान में गड़बड़ी है, ज्ञान पूरा उठाया नहीं है। ज्ञान तो कहता है पहले घर का सुधार, किसके घर का सुधार, इस तन के घर का सुधार या मन रूपी आत्मा के घर का सुधार। तो मन बुद्धि रूपी आत्मा का जो घर है वो पहला पहला घर आठ का है या 500 करोड़ का है। तो घर के सुधार में लगना चाहिए ना। जब स्वीकार कर लिया कि हम आत्मा है, हम आत्मा 84 जन्म लेने वाली पक्की आत्मा है, 83 जन्म लेने वाली आत्मा नहीं है जिसमें देहभान भरा हुआ है चौथाई कला का। 83 जन्म लेने वाले जो होंगे ये आत्माएं, उनमें चौथाई कला देह अभिमान रहेगा या नहीं रहेगा, है रहेगा। और हमने क्या अंजाम कर लिया, हम क्या है, हम आत्मा है पक्की पक्की या थोड़ी आत्मा थोड़ा देह अभिमानी। स्वीकार कर लिया है हम आत्मा है। तो जब हम आत्मा है 84 जन्म लेने वाली, तो हमारे अंदर देह अभिमान का नाम निशान भी नहीं। हम सृष्टि के उस आदिकाल के हैं जहां से आंख की सृष्टि शुरू होती है, जहां देह अभिमान का नाम निशान नहीं होगा। हम उस घर का पहले कल्याण करें। बाकी हमारा घर नहीं है, बाकी क्या है, है? बाकी 108 में से 8 का हमारा घर है और बाकी सब शतरूपा 100 रूप हैं। क्या एक है मनु और एक है शतरूपा। शक्ति की शुरुआत हुई किससे हुई, मनु और शतरूपा। मनु जिससे मनुष्य बने और 100 रूप जब धारण करना शुरू किए तो राक्षस बने। वो और धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं 8 हैं शुद्ध। तो ज्ञान में कहीं कमी है, मेरा घर मेरा घर मेरा घर, लड्डू का घर। आज मेरा घर कल निकाल के बाहर कर देंगे, लड़ाई झगड़ा शुरू होगा, 47 की तरह छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे, फिर लड्डू देखेंगे मेरा घर। अभी मेरा मेरा कर रहे हैं, बाप बता रहा है मेरा कोई नहीं, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, और चिल्लाते चिल्लाते मर जाओ, हम अपना ही रोना रोएंगे। बाबा प्रशांत महासागर की गहराई चांद के डायमीटर के बराबर ही होगी, प्रशांत महासागर की गहराई चांद के डायमीटर के बराबर तो होगी, व्यास के बराबर, चंद्रमा के डायमीटर के बराबर, क्योंकि वही टुकड़ा निकला है जो साइंस अभी तक नहीं क्लियर कर सका है। साइंस उसकी गहराई तो नहीं आप पता है ना, तो क्या चांद का जो टुकड़ा वहाँ से निकला उसके डायमीटर के बराबर तो होगा उसकी गहराई। ये क्या डायमीटर है, व्यास चांद का टुकड़ा और उसका व्यास। अरे कोई गोल चीज होती है, इतनी बड़ी गोल चीज होगी तो उसका व्यास भी इतना ही होगा, अर्ध व्यास इतना होगा,
तो टुकड़ा होगा तो टुकड़े की गहराई कितनी हुई? टुकड़े की तो गहराई बहुत थोड़ी हो गई, चांद तो इतना बड़ा। क्या बोल रहे हो? प्रशांत महासागर का गहराई जो अभी तक साइंस नहीं निकाल पाया, क्या वो चांद का टुकड़ा वहीं से टूटा है ना? अरे गड्ढे से मतलब नहीं है, गड्ढा ज्यादा भी हो सकता है। तो बदल दे, लगभग अप्रोक्सीमेट तो कह सकते हो। क्यों कह सकते हैं? पृथ्वी तो लंबाई चौड़ाई बहुत है और चंद्रमा तो उसके मुकाबले बहुत थोड़ा है। ये अनुमान है, सब अनुमान लगाने से नुकसान होता है। तो इसकी गहराई अभी तक मापी नहीं जा सकी कहीं? किसकी? प्रशांत महासागर की। प्रशांत महासागर की क्या समंदर की पूरी से गहराई जानी किसी ने? अंत महासागर में सारी गहराइयां पता है लोगों को? फिर संजीवनी बुट्टी जो जब बाहर से हनुमान जी लाने के लिए गए थे तो वहाँ पे सर जी पौधे पे एक सना लाइट था, इसका क्या है? वहाँ जितने भी पौधे थे और भी संजीवनी के अलावा उसके भी लाइट एक समान थे, इसका क्या अर्थ है? लाइटिंग समान नहीं थी। रामायण में कहा है कि रावण ने उस संजीवनी ब्यूटी को छुपाने के लिए सारे पहाड़ पर पालिश फैला दी, सारा एक रंग का हो गया। क्या वो हद की बात हुई? यहाँ बेहद का अर्थ है। संजीवनी बूटी ज्ञान की है या कोई वो पौधा है? ज्ञान की बूटी है वो संजीवनी बूटी ज्ञान की, जो गए नई नई बातें ज्ञान की निकलती हैं, गहरी गहरी बातें, वो याद की ऊंची स्टेज में चढ़ेंगे पहाड़ पर, पहाड़ी स्टेज बनाएंगे तब वो बूटी मिलेगी, या नीची स्टेज में रहेंगे तब बूटी मिलेगी? ऊंची स्टेज मनन चिंतन मंथन की बनाएंगे तो वो बूटी मिलती है। लेकिन माया रावण ऐसा है कि हनुमान को भी भ्रम पैदा करने के लिए सारे पहाड़ को रंग दिया। अब वो तो महावीर है, उसने कहा चलो तुम सारे पहाड़ को रंग दो, हम सारा ही पहाड़ उठा ले जाए। जो जानकार वैद्य है वो अपने आप ढूंढ लेगा। तो ये कहानियां बनाई हुई हैं। है एक वार्तालाप में बताया कि जब चंद्रमा संपूर्ण हो जाएगा तो इसको मकर रथ मिल जाएगा। है चंद्रमा जब संपूर्ण बन जाएगा तो इसको मकर रथ मिल जाएगा। मकर रथ मिल जाएगा, ब्रह्मा की आत्मा को अभी पक्का पहचान नहीं हुआ है कि वो मुकर्रर रथ कौन सा है जिसके द्वारा भगवान संसार में गीतापति भगवान बन के प्रत्यक्ष होता है। ये बात अभी ब्रह्मा की बुद्धि में बैठती नहीं है। जब बैठ जाएगी तो वो किसका साथ करेगा? गुलजार दादी का, बाप का ही साथ करेगा, फिर मुकर्रर साथ हो जाएगा। रुद्रमाला के लिए कहा है कि रुद्रमाला को विजयमाला के लिए जाने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। पहले पहले रुद्रमाला बनती है ना, वो जब सेंडर करेगी तो वहाँ पे एक ग्रुप खत्म हो जाएगी ना, 12 की रहेगी ना विजयमाला में, चंद्रवंशी की प्रवृत्ति चंद्रवंशी से बनेगी ना, नीचे वाली कटोरी से प्रवृत्ति बनती है। विजयमाला का जो 108 का ग्रुप बनेगा उसमें स्टार्टिंग होती है चंद्रवंशी से, स्टार्ट होती है चंद्रवंशी में, स्टार्टिंग होती
एक रूपा तुगलती और रुक्त मिलने वाला नहीं होगा ना। क्यों अरे वहाँ के 24 मणके जो हैं, वो 24 मणके सारे ही चंद्रवंशी होंगे, उनमें 12 होंगे ब्रह्मा जैसे। हाँ जी हाँ, पुरुष प्रवृत्ति के होंगे लेकिन फिर भी चंद्रवंशी होंगे, आधीनता के संस्कार वाले होंगे। ब्रह्मा जैसी आत्मा तो सही छोड़ रही है, तो उनके फॉलोअर भी तो सही छोड़ेंगे ना। शरीर छोड़ने के बावजूद भी वो आत्मा प्रवेश करके पार्ट बजाती है, और उसकी सहयोगिनी शक्ति भी प्रवेश करके पार्ट बजा रही है। तो वो तो शक्ति को बच्ची रूप से बताऊंगे ना है? ब्रह्मा शक्ति जैसी जो भी आत्माएं हैं वो तो अपने मातृता से पैदा होंगे वो। हाँ ठीक है, तो मातृता जो प्रवेश करने मातृता बनेगी ना, जो आत्माएं प्रवेश करने वाली हैं वो प्रवेश करने वाली अभी बुद्धि रूपी क्षेत्र में प्रवेश कर रही है, और वहाँ स्थूल पेट से पैदा होंगी, ये अंतर है।